हाय फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। पनीर हम काफ़ी तरह का बनाते हैं, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तवा पनीर मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और स्पाइसी होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तवा पनीर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 प्याज ली है जिसको ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया है पतले पतले, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर, 200 ग्राम मैंने लिया है पनीर, 2 टमाटर जिनको कि मैंने मिक्सी में पीस लिया है, 1 शिमला मिर्च जिसको मैंने ऐसे चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, 150 ग्राम मैंने लिया है दही, 1 छोटा चम्मच मैंने ली है कसूरी मेथी, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच पिसा हुआ भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है मैंने, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। तो सबसे पहले हम पनीर को काटेंगे, तो ये पहले लंबे लंबे स्लाइसेस कर लेंगे हम। तो अब मैं इधर से ये पीसेस काट लेती हूँ, और अब मैंने एक बाउल लिया, इस बाउल में मैं डाल देती हूँ ये दही। दही डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये अमचूर पाउडर, चाट मसाला और ये जीरा पाउडर, नमक भी डाल देंगे, ये मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दिया, और काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे दही में, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये पनीर। पनीर हम इसमें डाल देंगे तो उससे क्या होगा, जो दही में सारे मसाले मिले हुए हैं वो पनीर में अच्छे से मिल जाएंगे। तो खूब अच्छी तरह हम इसको चला लेंगे चारों तरफ से, और नीचे से भी सारा जो हमारा दही है उसको ऊपर करते हुए लपेट देंगे सारे पनीर को मसाले से। और अब मैं इसको 1/2 घंटे के लिए ढक के कहीं पर भी रख देंगे, तो ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो देखिए 1/2 घंटा हो गया है और हमारा पनीर अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो सबसे पहले मैंने फ्लैट तवा लिया है क्योंकि हम तवा पनीर बना रहे हैं, तो अब मैंने इसको अच्छे से गरम कर लिया, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये रिफाइंड ऑयल। ऑयल अच्छे से गरम हो गया, अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से चला लेंगे। और फिर इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये अपना पनीर, पनीर डाल दिया और मीडियम गैस कर दिया मैंने। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है, तो इसको मीडियम गैस पे अच्छे से पलटते रहेंगे, और ये हमारा बिल्कुल ड्राई पनीर हो गया है, सारा मसाला इसमें अच्छे से लग चुका है। और अब मैं इसकी ग्रेवी बना रही हूँ, तो गैस को ऑफ कर देती हूँ और दूसरे पैन में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो अब मैंने पैन को रखा है और गैस ऑन है, पैन अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं डाल देती हूँ इसमें रिफाइंड ऑयल, ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये तेज़पात के पत्ते, और अब डाल देती हूँ इसमें ये प्याज, अच्छे से भून लेंगे प्याज को। प्याज हमारी ब्राउन होने लग गई है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर, मिला लेंगे अच्छे से। और इसमें साथ के साथ मैं डाल देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, मिला लेंगे। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये पिसे हुए टमाटर, अच्छे से चला लेंगे टमाटर डालने के बाद। और इसमें डाल देती हूँ मैं नमक,
नमक बस इस ध्यान रखना है, पहले भी हमने पनीर जब मैरिनेट किया था तब भी नमक डाल दिया था, तो नमक ध्यान से डालें। और अब मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को हमेशा हाथ से ऐसे रगड़ के डालना चाहिए, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डाल के भी अच्छे से मिला लेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से 3-4 मिनट तक बिल्कुल सिम गैस पे भून लिया है। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये जो हमारा पनीर है तवे पे हमने रखा रहने दिया था, तो इसको मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले में। पनीर डालने के बाद मैं गैस को मीडियम कर देती हूँ, बिल्कुल लो पे थी गैस। और अच्छे से अब सारी चीज़ों को मिला देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट तक फिर से इसको कंटिन्यू भून लिया है। और अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और अब हम तवा पनीर को सर्व करेंगे। तो देखिए तवा पनीर मसाला हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या दाल के साथ खाइए, ये सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखते रहने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।